देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर में। हाँ यस मैम, मैम। ठीक है, उनको कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो हम लोग एक्सरसाइज मुझे नहीं। क्या बोल रहे हो दिख बोलो। रहा हाँ है अब, वो तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज दिख करता है। रहा है। हाँ अगर ऐसा हो ना तो तुम्हें रीजॉइन कर लेंगे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक्सरसाइज आई थिंक 5C ये वाला स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें फोर्थ नंबर का एक क्वेश्चन था जो मैंने बाकी रखा था, ठीक है। मैंने तुम लोग को वो होमवर्क दिया था, हम दिखाते हैं। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट मैंने वो होमवर्क दिया था। इस क्वेश्चन को पहले हम बता देते हैं कैसे करके होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा, मैंने बोला था एमसीक्यू के लिए उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन अब आ भी सकता है। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन एक बार लिख लो फिर से, ठीक है। NCr-1 NCr-28 NCr+1 8 और हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था आर आर कितना हो, और अलग अलग हमें ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन का क्या है ना कि एन और आर दोनों मिसिंग है, तो फिर हम लोग उसको जो है ऑप्शन से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखो कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखो याद रखना पड़ेगा तरीका कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो NCr-1 और NCr डिवाइडेड बाई हम कर रहे हैं NCr-1, ठीक है। क्या ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जैसे दो इक्वेशन को माइनस किया जा सकता है, प्लस किया जा सकता है, तो जरूरत पे उसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, देखो NCr डिवाइडेड बाई मैंने पहले लिखा है NCr-1। थोड़ा प्रोसेस बड़ा होगा, हम पहले ही बोल रहे हैं, थोड़ा कंसेंट्रेशन के साथ देखो। तो NCr का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 28 और NCr-1 का गिवन है 56, ठीक है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे, जो पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो बोलो NCr को क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, मतलब तुम लोग बताओ क्या लिखोगे, जो मतलब इलाबोरेट फॉर्मूला है वो बताओ, मतलब एन फैक्टोरियल करके जो है बोलो क्या लिखोगे। n एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ये लिखना है। अब ये अगर कोई सोच रहा है कहाँ से आए, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, हम शॉर्टकट में इसीलिए करवाते क्योंकि उसमें जल्दी हो, लेकिन ये भी मेरा बताया हुआ है कि NCr का फॉर्मूला है। अब सेम तरीके से मुझे NCr-1 भी बताओ, आर के जगह अगर R-1 है तो अभी यहाँ इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या लिखेंगे बताओ। n फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। देखो ये सेम इसी तरीके से करना है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई होता है N-r, ठीक है। तो यहाँ एन है और आर के जगह मेरा R-1 है, तो हम वही लिखेंगे N-r फैक्टोरियल हो गया इंटू R फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल के जगह यहाँ R-1 है तो R-1 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोबारा बता देते हैं, देखो ताकि क्वेश्चन बड़ा है आगे जाके पूछोगे तो तुम लोग को भी कंफ्यूजन होगा। मैंने सिंपल कुछ नहीं, एनसीआर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगवाया, ये तो फॉर्मूला ही है N-r फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है।
अब यहाँ पर है एनसी आर माइनस वन, आर की जगह आर माइनस है, आर माइनस वन है, सेम चीज हम मैंने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एन फैक्टोरियल का एन फैक्टोरियल और होता है एन माइनस आर, तो एन है एन, आर की जगह है आर माइनस वन, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, आर की जगह है आर माइनस वन, तो मैंने भी वही लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है, अभी जस्ट इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर किया है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे जैसे नॉर्मल तुम लोग मैथ्स में करते हो वैसा ही करेंगे, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल ठीक है, और नीचे का ये जो है इसका ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा बोलो, ये ब्रैकेट ओपन करने से कितना होगा तुम लोग ही बताओ, नहीं तो फिर सोचोगे प्लस माइनस क्या हो गया, बताओ क्या होगा, मैम एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और आर माइनस वन फैक्टोरियल जैसा है वैसा ही रखा, मतलब इस स्टेप में आके मैंने सिर्फ इसी को चेंज किया है, बाकी सारे चीज एज इट इज ही रखे हैं, ठीक है, मैंने स्टेप जंप नहीं किया। अब 28/56 ठीक है, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एन फैक्टोरियल ठीक है डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू, अब ये जो है ऑल्टर हो जाएगा, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल 28/56 ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चेंजेस वही किया है और कुछ नहीं। अब जो भी कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि ये दोनों कैंसिल आउट, और भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर दिखाते हैं। अच्छा, जैसे अब कैंसिल आउट करने के लिए तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मान लो ऊपर 8 फैक्टोरियल है नीचे 5 फैक्टोरियल है, तो मुझे अगर 5 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करना है तो मुझे 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करना पड़ेगा 8, 7, 6, 5 तक, ये चीज हम लोगों ने पहले भी किया है, वही वाला अभी फिर से करेंगे, तो तुम लोग को बताना है किसके साथ कौन कैंसिल आउट होगा, जैसे कि n माइनस आर के साथ कौन कैंसिल आउट हो सकता है और r के साथ कौन कैंसिल आउट हो सकता है, ये बता, मतलब ये इधर का डेटा किसके साथ मैच करके कैंसिल आउट होगा और ये वाला डेटा किसके साथ मैच होके कैंसिल आउट होगा, r फैक्टोरियल को स्प्लिट करके r इंटू r माइनस वन हाँ, फैक्टोरियल मतलब ये होगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑल्टर वाला हो जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, पहले हम तुम लोग को एक स्टेप ऐसे ही लिख के दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ही कैंसिल आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है इसके बाद ना इधर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि करने में आसानी रहे, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो हम ऐसे लाइन लगा देते हैं और उस डेटा को दोबारा लिख के तुम लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि ये मेरा नीचे रह गया ना, तो हम दोबारा लिख रहे हैं, तुम लोग अगर चाहो तो दोबारा नहीं भी लिख सकते, हम यहाँ पर एक बार रीराइट कर रहे हैं। मेरे पास बचा है यहाँ पर एन माइनस, देखो ऊपर बचा है एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है नीचे चला गया है तो मुझे प्रॉब्लम होगा, और एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल, और नीचे आया है एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल, और इधर है 28/56 ठीक है। अब स्प्लिट करने का तरीका होता है, हमें स्प्लिट कौन सा करना चाहिए जो बिगर डेटा है, तो आर और आर माइनस वन में आर बिगर होता है क्योंकि माइनस वन करने से वो कम हो जाता है, और एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में बिगर डेटा ये वाला है, तो स्प्लिट वही होगा जैसे अभी 8 और 5 में 8 स्प्लिट हुआ क्योंकि 8 बड़ा डेटा है ठीक है, तो अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमें ये वाला स्प्लिट करना है, तो n माइनस आर प्लस वन को अगर स्प्लिट करेंगे तो पहला फैक्टर क्या होगा, जैसे 8 को स्प्लिट करने से पहला 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करने से पहला 8 दूसरा 7 फिर 6 ऐसे होता है, तो अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो पहला क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल पहला, दूसरा n माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन प्लस वन माइनस वन तो आर ही होगा, प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पर फैक्टोरियल रख देंगे इसके आगे और स्प्लिट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल आउट करने को मिल जा रहा है ठीक है। अब आर और आर माइनस वन में आर बिगर डेटा है तो आर को स्प्लिट करेंगे, तो पहला पहला फैक्टर आर फैक्टोरियल, पहला आर, उसके बाद आर इंटू आर माइनस वन,
आर माइनस वन फैक्टोरियल और ऊपर आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया. ठीक है, अब क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ से देख लो, ये और ये कैंसिल आउट होगा. ठीक है, इधर एन माइनस आर और ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट होने से एन माइनस आर फैक्टोरियल बचता है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया. तो बचा क्या, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर 28/56. इसको सिंप्लीफाई करो तो 28 से डिवाइड करने से 1 और इधर हो जाता है 2. अब मल्टीप्लाई करना है, 2n माइनस 2r प्लस 2 और इधर r हो गया. अब इसको फिर से लिखेंगे, 2n ये r इधर लेके आओ और ये 2 को इधर लेके जाते हैं, तो 2n माइनस 3r माइनस 2. ठीक है, ये एक इक्वेशन बना, 2n माइनस 3r इक्वल माइनस 2, ये एक इक्वेशन बना. ऐसा और एक इक्वेशन बनाना है फिर सॉल्व करना है, इसलिए मैंने बोला कि ये ना एमसीक्यू टाइप है ही नहीं, क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हो ही नहीं सकता है. तो एक तो हम लोगों ने ये वाला और ये वाला डिवाइड करके आंसर निकाल लिया है, और एक बार कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें इस तरीके से आंसर मिले. तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डेटा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोगों ने अभी तक लिया नहीं, और इसके साथ कुछ और एक डेटा लेना पड़ेगा. तो देखो कौन सा लेना चाहिए, ये या फिर ये. ठीक है, तो एनसीआर ही लेना चाहिए क्योंकि ये छोटा है, इसका स्प्लिट करने में आसानी होता है, तो हमें ये वाला लेना. तो लिखो, देखते हैं, देखो डिवाइड करके कैसे आएगा, इसमें भी डिवाइड ही करना है. ठीक है, तो देखो कोई भी डेटा आगे पीछे लिखा जा सकता है, जैसे 28/56 ही लिखना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, 56/28 करके भी कर सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो कैलकुलेशन वैसे आएगा, ओवरऑल यही आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद. मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई रूल्स है कि मुझे यही आगे लिखना है ये उसके बाद लिखना है, ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, कुछ भी लिखा जा सकता है. और हम लोगों ने ये दोनों को ही क्यों चूज किया, इसको ना हम लोग हर बार लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एनसीआर है, एनसीआर को स्प्लिट करना आसान होता है. अगर दोनों ही हम लोग का आर माइनस वन आर प्लस वन टर्म में चला जाता है तो फिर उसमें कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हमें एक सिंपल वाला तो पिक करना ही है, और उसके साथ एक बार ये और एक बार ये पिक करना है. ठीक है, तो एक बार ये तो हो गया, अब इधर वाला करेंगे, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखो कैसे होगा. एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर. ठीक है, मैंने ये उसके बाद डिवाइड ये कर दिया, 8/28. अब 28/8 भी कर सकते हो, तब ये भी एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे. तो बोलो एन सी आर प्लस वन को जब तुम लोग फॉर्मूला में ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे, बताओ. मैम एन सी आर प्लस वन माइनस वन. एन सी आर प्लस वन माइनस वन ना, गलत. N factorial by R plus 1 factorial into N minus R minus 1 factorial. N minus R plus 1 factorial वो माइनस हो जाएगा. मैंने थोड़ा सा समझ, ताकि सबको समझ में आ जाए, तो मैंने इसको एक बार एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सिंपल बताना था, जो कॉम्बिनेशन चैप्टर से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, और अभी अभी सेम चीज ही किया था तो फॉर्मूला तो बताना चाहिए था. अब NCR का क्या होगा बताओ. N factorial by R factorial into N minus R factorial. N factorial, N minus R factorial into R factorial. जो combination का formula है. अभी थोड़े देर पहले same process से हम लोग इस चीज को करते हुए आए. अच्छा, अब हम लोग को इसको solve करके देखना है कितना कितना आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है N factorial R plus 1 factorial एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा. ठीक है, जैसे हम लोग एन माइनस आर करते हैं, तो यहाँ पर एन माइनस आर, आर के जगह आर प्लस वन था, तो वही एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. जैसा था क्वेश्चन में मैंने वैसा ही लिख दिया है, मतलब जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, बस मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है और एक्स्ट्रा कुछ भी स्टेप मैंने नहीं वहां पर दिया है.
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे मैथ्स में होता है उसको चेंज कर देते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। अब देखो ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक एन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर r फैक्टोरियल, इधर r प्लस वन है, इधर n माइनस आर माइनस वन है, ठीक है। तो ये इसके साथ स्प्लिट होगा क्योंकि इसमें भी n है, इसमें भी n है, और ये इसके साथ स्प्लिट होगा क्योंकि दोनों r रिलेटेड डेटा है। तो बोलो r और r प्लस वन में बड़ा कौन है? r प्लस। तो r प्लस वन को ही स्प्लिट करेंगे, r को फिक्स रखेंगे। तो r प्लस वन को स्प्लिट करने से पहला फैक्टर R प्लस वन माइनस वन, पहला फैक्टर R प्लस वन, दूसरा वाला R प्लस वन माइनस वन, बस इतना ही लिखने से हो जाएगा क्योंकि हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये R फैक्टर मिलेगा। N माइनस R और N माइनस R माइनस वन में बड़ा कौन है? N माइनस R और N माइनस R माइनस वन में बड़ा कौन है? N माइनस R। N माइनस R, तो उसी को स्प्लिट करना है। तो पहला N माइनस R, दूसरा क्या होगा? N माइनस R माइनस R माइनस n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहां तक ही रखेंगे तो नीचे से कैंसिल भी हो जाए 8/28। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, इधर है n r फैक्टोरियल और ये भी देखो r बन जाएगा r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है हम लोग का? ऊपर n माइनस आर, नीचे r प्लस वन, n माइनस आर और r प्लस R प्लस वन, और इधर यही वाला है 8/28, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 28N माइनस 28R फिर 8R प्लस 8, ठीक है। अब 28N जैसा है वैसा ही रहेगा, 28R माइनस 8R माइनस 8 जीरो माइनस, ये कितना हो जाएगा 36R इक्वल, इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने कर लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जैसे तुम लोग एक्स वाई रहने से इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसी तरीके से तुम लोग को ये इक्वेशन भी सॉल्व करना है। फर्क कितना है, नॉर्मली एक्स वाई का सॉल्व करते हो, यहाँ एन आर है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन बना है 2n माइनस 3r माइनस 2, यहाँ इक्वेशन बना है 28n माइनस 36r और 8। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम अपने मेथड, जैसे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड, हम वही वाला फॉलो करेंगे। तुम लोग को कुछ और करना है तो कर सकते हो, बट यही सबसे जल्दी होता है। तो पहला इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 माइनस इक्वेशन टू करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वन में 14 मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड करना चाहिए, इक्वेशन है तो बोथ साइड होगा। तो 14 इंटू टू है, ये हो जाएगा 28n और 14 इंटू थ्री 42r और 14 इंटू टू माइनस 28। तो 14 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 28n माइनस 42r माइनस 28, ठीक है। अब बाकी डेटा 28n माइनस 36r और ये हो गया 8। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे नीचे ही माइनस लिख देते क्योंकि मुझे याद है। तुम लोग किसी और पैटर्न से करते हो तो कर सकते, ये प्लस है ये माइनस होना चाहिए क्योंकि माइनस हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट। फिर ये माइनस है, ये माइनस माइनस में प्लस है, तो 36 और 42, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 42 के आगे माइनस ही रहेगा, ये बड़ा डेटा है जो मैथ्स में रूल्स होता है। तो 36 और 42 का डिफरेंस आ गया माइनस 6R, और इधर माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा 36, तो R हो गया माइनस है, ठीक है। माइनस 36 डिवाइडेड बाई माइनस 6 यानी 6, ठीक है। तो R का आंसर आ गया 6। अब देखते हैं 6 ऑप्शन में था कि नहीं, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी। ये तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग कैसा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, मेरा वाला ही करना है ऐसा लेकिन कोई नेसेसरी नहीं, ये तुम लोग खुद से अपने हिसाब से कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला था कि ये ना एमसीक्यू टाइप है नहीं, इसमें डायरेक्टली सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है, हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे करवाया, आई होप कि समझ में आया। तुम लोगों से पूछ पूछ के ही किया है, ठीक है, तुम लोगों ने ही बताया, तुम लोगों से पूछ के ही किया है जो भी कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो यहाँ पर फिफ्थ नंबर हम लोग कर चुके थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी हो गया था, 11 भी हो गया था शायद, हम एक बार चेक करें। तो लास्ट कौन सा क्वेश्चन, हाँ लास्ट 13 तक हो गया था। अच्छा तो इसके बाद 14 से करेंगे। हो मैम रहा R6 है, आया था ना? हाँ R6 है। Every two person shake hands with each other in a party and the total number of handshake is 66, the number of guests in the party। बोल रहा है कि हर दो लोगों ने पार्टी पे, जो भी लोग थे, हर दो लोगों ने हैंडशेक किया और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुआ है 66। क्वेश्चन ये पूछा है कि पार्टी में कितने लोग थे, ठीक है, ये तुम लोग को बताना है कि पार्टी में कितने लोग, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी आंसर हमें दिया हुआ है वो पार्टी में कितने लोग थे वही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो कैसे सॉल्व होगा देखो, जैसे कि पहले इसको हम एक छोटे क्वेश्चन से बताते, जैसे मान लो तीन लोग, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, बोलो तो ये तीनों अगर आपस में हैंडशेक करते हैं तो कितने सारे हैंडशेक हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ हैंडशेक कितना सारा होगा ये बताओ पहले, अगर सब कोई सबके साथ ही हैंडशेक करे। नंबर बताना है, नंबर। हाँ बोलो मैम, सिक्स। एक एक जन बोलो बोलो टोटल नंबर बताओ मैम, सिक्स। सिक्स, अच्छा और बोलो, सिक्स हो गया, मैंने सुन लिया, अब दोबारा और एक बार बोलो, थ्री। थ्री और बोलो, थ्री और सिक्स, ये दो मुझे सुनाई दिया, और बोलो, और किसी का कुछ अलग डिजिट है तो बोलो, थ्री मुझे और एक आंसर मुझे लग रहा है, थ्री और एक आंसर मिला, और बोलो, ये आंसर तो सभी को देना चाहिए, अगर हैंडशेक होगा तो कितना सारा होगा ये नहीं बोल पाऊंगी, नॉर्मल बात। आंसर थ्री जो है वो करेक्ट है, छह हैंडशेक नहीं हो सकता है कभी भी। पहले देखो ए और बी ने हैंडशेक किया तो कितना हो गया, ए भी हैंडशेक कर सकता है, और कौन कर सकता है बोलो, तीन हैंडशेक कैसे, बी सी और ए सी, ए सी या सी ए जो भी लिखो बात बराबर है, तो छह तो कैसे पॉसिबल है, छह कभी हो ही नहीं सकता, छह कैसे, ये हो गया हम लोग का तीन हैंडशेक, ठीक है, तीन हैंडशेक हो रहा है, तो क्या इसमें कोई परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन, पहले क्वेश्चन बताओ ये परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है, मतलब ए बी हैंडशेक किया और हम लिखेंगे बी ए हैंडशेक किया कि ये दोनों बात अलग अलग है, कॉम्बिनेशन है, हाँ ये दोनों बात तो सेम है, ये दोनों बात अलग अलग थोड़ी ना, इसको हम लोग अलग से काउंट कर ही नहीं सकते, ए बी ने हैंडशेक किया और बी ए ने हैंडशेक किया बात बराबर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमें पूछा है कि टोटल हैंडशेक 66 हुआ है, कितने लोग थे, जैसे यहाँ टोटल हैंडशेक तीन हुआ है तो कितने लोग थे, अब इसी को अगर फॉर्मूले में दोगे तो यहाँ पर एन कितना और आर कितना, ठीक है ये बताओ, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें एन और आर बताओ, N3 R2 इसीलिए क्योंकि हैंडशेक करने के लिए दो हाथ चाहिए, ठीक है, और तीन लोग मिलके हैंडशेक कर रहे हैं, तो 3 C आंसर 3 R। अब मुझे ये आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे ये बताना है कि टोटल कितने लोग थे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लेट नंबर ऑफ पर्सन एन, ठीक है, तो अगर एन लोगों ने हैंडशेक किया है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले में क्या लिखना चाहिए, मुझे तो एन नहीं पता, तो एन तो मेरे इस केस में एन ही है, और आर कितना होगा,
टू होगा। आर तो टू ही होगा, ठीक है, हैंडशेक के लिए दो ही हाथ चाहिए, तो फिर मेरा आंसर होना चाहिए ऐसे NC2, और इसका वैल्यू मुझे इक्वल टू क्वेश्चन दे रहे सिक्सटी हैं, सिक्स हाँ इक्वल टू 66, क्योंकि इसका आंसर मुझे क्वेश्चन दे चुका है कि जितने भी लोग थे सभी ने मिलके जो हैंडशेक किया उसमें वैल्यू इतना आया है, ठीक है। अब देखो तुम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो इसको सॉल्व करो या फिर ऑप्शन से देख लो, 11, 12, 13, 14, इसमें से जो भी ऑप्शन से तुम लोग का 66 आएगा वही आंसर होगा, तो हम ऑप्शन लिख दें यहाँ पर 11, 12, 13, 14, और देखो किससे आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन से करोगे तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो जाए, हम पहले ऑप्शन ए से देखते। नहीं ये तो नहीं था, बी बी है, आंसर बी हो जाएगा 66, ठीक। अगर आंसर क्योंकि मुझे दे ही दिया है 66 है, तो वो 12 मतलब 12 लोगों ने मिलके पार्टी में हैंडशेक किया था तभी जाके टोटल 66 जो है हैंडशेक हुआ था, नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है। फिफ्टींथ नंबर का देखो, बोल रहे था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, हमें क्या बना के देना है, पैरेललोग्राम बना के देना है, वो कैसे देखने में होता है बताते हैं, पता होगा तुम्हें, एक बार दिखा रहे ऐसे होता है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा ही होता है, मतलब एग्जैक्टली रेक्टेंगल जैसा नहीं होता, ये दोनों साइड ऐसे होते हैं, ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं पैरेलल। इसका फीचर्स क्या है पता है, ये ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल और एज वेल एज पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होता है, ठीक है। अब हमें बोला है ऐसा हमें जो है फॉर्मेशन देना है, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, बोल रहा है फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, चार पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी तीन पैरेलल लाइन को, ठीक है, तो चार पैरेलल लाइन कैसे हो सकता है, पैरेलल लाइन का मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, मैंने ऐसे चार पैरेलल लाइन लिया, हम ना इसका नाम भी दे देते हैं, लाइन का नाम तो दे ही सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट से पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ए यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, मान लो बी ये वाले पॉइंट को दे दिया, सी ये वाले पॉइंट को, डी दे दिया, ई ए जी और ये हो गया एच, ठीक है। और भी तीन पैरेलल लाइन है ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, जो कि ये पहले वाले चार लाइन को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब कट करके गया है बाकी तीन पैरेलल लाइन, ठीक है, तो तीन पैरेलल लाइन और बनाते, एक दो तीन, ठीक है, तीन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट किया है ना, इसीलिए मैंने इसके ऊपर से बनाया, ठीक है, इसके ऊपर से बनाया, इसका भी नाम दे देते, एच हुआ है आई जे के, यहाँ पर दे दिया आई जे के, एल एम और एन, ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, इससे मुझे क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बना के दिखाना है, ठीक है, तो कितने सारे बन सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है, तो बोलो अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें कितने सारे लाइन चाहिए एक बार में, मतलब कितना सारा लाइन नॉर्मली चाहिए हो, फोर, फोर ठीक है। अब मैंने यहाँ दो कलर से किया है, तो तुम लोग बोलो कि क्या हमें चारों ही ब्लू वाला चाहिए या तीन व्हाइट वाला चाहिए या दोनों का मिक्स्ड अप चाहिए, तो कौन से रेशियो में चाहिए, मतलब कितना कितना चाहिए। दो व्हाइट और दो ब्लू का चाहिए। हाँ, देखो जब भी लेंगे दो ये ले लेंगे और दो ये ले लेंगे बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे पैरेललोग्राम बना के देना ही है तो मेरा एन कितना होगा और आर कितना होगा, ठीक है, तो एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो बोलो मेरा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, सेवन
लेकिन जब हम लोग बनाएंगे क्या एक साथ सात चीज लेके करना पड़ेगा या फिर हमें दो ब्लू दो व्हाइट लेना है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। हाँ, चार ब्लू में से कितना ब्लू लेंगे? टू, दो लेंगे। टू लेंगे, ठीक है। ये ब्लू के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू के लिए काम करते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। तो देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, जब हम लोग ब्लू वाला लाइन, क्योंकि हमें ब्लू वाला भी लेना है व्हाइट वाला भी लेना है, ठीक है, मैंने कलर देके इसीलिए समझाया था। तो ये चार में से ब्लू वाला मुझे दो चाहिए, ठीक है, और भी तो चाहिए, सिर्फ ब्लू से तो होगा नहीं, तो व्हाइट के केस में एन और आर कितना होगा? N3 और R2। N3 और R2, ठीक है। अच्छा, जब ब्लू वाला सिलेक्ट, देखो सिलेक्ट होगा, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट का बात नहीं है, जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एन अगर 4 और R2 है तो क्या हो जाएगा? 4C2, और ये वाला हो जाएगा 3C2, और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए कि अलग-अलग होना चाहिए? एक साथ, तो 4C2 और 3C2 को करो मल्टीप्लाई, क्योंकि एक साथ पिक नहीं करोगे तो फिर कैसे करके हम लोग चारों को जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 into 1, 4 into 3, 3 into, तो 3, 3 9 to 18, 18 पैरेललोग्राम होगा। हम यहाँ ना दिखा भी देते हैं, देखो कौन सा होगा। एक तो ये बन जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये छोटा छोटा 6 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो छोटा छोटा मैंने 6 दिखा दिया, और ये वाला 7, 8, ठीक है, और यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से इधर से, इधर से 7, 8, ठीक है, फिर इधर से 2, तो 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया, और 8 चाहिए। तो एक तो देखो पूरा ऐसा बड़ा वाला और एक पूरा ऐसा बड़ा वाला, ठीक है, तो कितना हो गया? और भी 2, 12, ठीक है। अच्छा, और देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे 13, 14, 15, ठीक है, मतलब 3, 15 हो गया, 16, 17, 18, तो ये देखो एक पूरा ऐसे बनेगा, ऐसे सेम तरीके से इधर से ऐसे जाएगा, बना 2, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, और एक बड़ा वाला, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 18 बन गया, ठीक है। तो देखो ये तुम लोग खुद से भी देख सकते हो कैसे कौन कौन सा जो है डायग्राम बन रहा है। तो पहले ये देखो छोटा छोटा जो दिख रहा है ना यहाँ बना हुआ है वो, अब दो दो इधर से लेंगे तो बना, ठीक है, फिर वही दो इधर से काउंट करो, ये बना, फिर ऐसे करके काउंट किया वो बना, फिर ये बिगर वाला ऐसे करके, देखो तुम लोग खुद से सेपरेट करके ड्रॉ करके देख सकते हो 18 कैसे बन रहा है। मैंने तुम लोग को यहाँ पर ही करके दिखाया कि 18 पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस से बनेगा। तो देखो अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा कंसेप्चुअल तो होगा, इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग चेक करके देख सकते हो। तो 18 हम लोग का आंसर आ गया, ऑप्शन भी देख लेते हैं। 15 का हम लोग का ऑप्शन हो गया है बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, उसके बाद फिर से मिडिल का 16 और 17 को एक बार स्किप करेंगे, ठीक है। उसका रीजन बता रहे, स्किप इसीलिए कर रहे क्योंकि वो है ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्रुप में डिवाइड करना, उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो एकदम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और मुझे याद है कौन से वाले जगह से मैंने एक एक दो क्वेश्चन, जैसे परमुटेशन का भी एक बाकी रखा है, ठीक है, हम लास्ट में करवाएंगे, अगर कुछ छूट जाता है तो तुम लोग भी मुझे बताना, ठीक है। 16, 17 जैसे मैंने बाकी रखा है, अब इसके बाद डायरेक्ट 18 वाला करेंगे। तो हम यहाँ पर ना एक बार नोट डाउन कर लेते, 16, 17 जो है ये हम नोट डाउन कर लेते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम 18 वाला कर रहे हैं। 18 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है 8 points are marked on the circumference of a circle. एक सर्कल के ऊपर 8 point जो है डिनोट किया गया है। द नंबर ऑफ पॉड्स ऑब्टेन बाई ज्वाइनिंग दिस इन पेयर इज, बोल रहा है कि कितने सारे पॉड्स हम लोग बना सकते हैं उस सर्कल के अंदर
उस जो पॉइंट्स है उसके पेयर्स, मतलब पॉड क्या होता है पता है तुम लोग को, जैसे कोई भी सर्कल बनाते हो ना, पॉड का मतलब ये देखो ऐसा है, पॉड कैसे ड्रॉ होता है नॉर्मली कैसे भी किया जाता है, लेकिन जब एक ड्रॉ करने बोलता है नॉर्मली हम लोग ऐसे कर ऐसे, ठीक है, सर्कल के अंदर ऐसे जब पॉइंट, जैसे देखो इसको डायगोनल बोलते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्वाड, ठीक है, तो ऐसा कितना सारा क्वाड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें पूछा है। अगर उस सर्कल के अंदर हम लोग 8 पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ठीक है, अगर 8 पॉइंट को मार्क करते हैं तो कितने सारे सर्कल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, हम ना यहाँ पर ड्रॉ करके तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, वहां से अब इसमें 8 पॉइंट्स जो है डिफाइन करते हैं। 8 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पॉइंट हो गया। अब हमें कितने सारे क्वाड बना सकते हैं वो हम लोग को बताना है, ठीक है, फिर हम फॉर्मूला भी बता दें। बोलो क्या बोल रहे हैं? आंसर था कि 28। हाँ हाँ आंसर तो 20, हाँ आंसर सही है, 28 आएगा, ठीक है। देखो क्यों 28 आया, देखो हम फॉर्मूला भी बता देते फिर ड्रॉ करके भी दिखा देंगे। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर मुझे क्वाड बनाना है तो मेरे लिए एन क्या है और आर क्या है, पहले ये बताओ। एन 8 है और आर 2 है। आर 2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा कि परम्यूटेशन, मतलब कोई भी दो पॉइंट ले रहा है, मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ए बी लो या बी ए लो बात एक ही है, तो फिर कॉम्बिनेशन, अगर बात अलग है तो फिर परम्यूटेशन होगा। बोलो कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन 8C2, तो ये हो गया 2 × 1, 8 × 6, आंसर 28 होगा, ठीक है, तो आंसर 28 ऑप्शन सी, ठीक है। अब 28 कैसे हो रहा है ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब अंदर 20 बनेगा तब 28 होगा, देखते ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा 20 होता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार छूट जाता है। 1, 2, मतलब अंदर मेरा 20 होना चाहिए, ठीक है, 8 ऑलरेडी हो चुका है, अब अंदर 20 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट 6, 7, 8, 9, 10, फिर ये वाला पर 11, 12, 13, 14, फिर ये वाला 15, 16, 17, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 17, फिर ये वाला 18, 19, और ये जुड़ा हुआ है 20, और ये वाला, ठीक है, हाँ सारा ही हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना सही हुआ, लग तो रहा है सही हुआ, 20 काउंट बिल्कुल सही हुआ, ड्रॉ भी सही हुआ है, तो ये ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है, ड्रॉ मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी हम कर देते हैं ताकि तुम लोग को चीजों को प्रैक्टिकली समझ में आए, ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होगा 20, आंसर तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 19th नंबर देखो, 19th नंबर में क्या बोला है, A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committee. बोल रहा है एक कमिटी बना के देना है जहां पर 3 ladies और 4 gents को लेके हमें कमिटी बनाना है, और टोटल लेडीज है 8, 8 में से 3 ladies को लेना है, टोटल जेंट्स है 7, 7 में से 4 gents को लेना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बार, मिसेस एक्स जो है वो कमिटी में नहीं आएंगी अगर मिस्टर वाई आते तो होगा कुछ झगड़ा, ठीक है। बोल रहा है नंबर ऑफ सच कमिटी, तो ऐसा कितना सारा कमिटी बनेगा जहां पर मिसेस एक्स आने से मिस्टर वाई नहीं आएंगे, या मिस्टर वाई है तो मिसेस एक्स नहीं आएंगे, ऐसे हमें फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये ना
हो गया वो जो तुम लोगों ने परमुटेशन में क्वेश्चन किया था ना, कुछ वावल्स को जो है नॉट टुगेदर वाला, ठीक है उस टाइप का है। देखो हम बताते हैं, हम लोग को पहले कमिटी बना के देना है, टोटल लेडीज है 8 और टोटल जेंट्स है 7, ठीक है। कमिटी में कितने लोग होने चाहिए? कमिटी में होने चाहिए 3 लेडीज और 4 जेंट्स। ये क्वेश्चन में पहले लाइन में यही मुझे बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो वो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स और मिस्टर वाई क्या है, उन दोनों का अगर कोई इश्यूज नहीं होता और हमें इस तरीके से कमिटी बनाना होता तो हम लोग कैसे कमिटी बना सकते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन? कोई रेस्ट्रिक्शन के बिना हम लोग कैसे कमिटी बना सकते थे, ठीक है। मतलब अगर मुझे टोटल 8 लेडीज में से 3 लेडीज लेना था और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स लेना था, ठीक है, और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो मेरा कमिटी जो बनता वो कैसे होगा, मतलब उसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला? एम 8C3 8C3 और 7C4 ठीक है। तो हम लोग 8 में से कोई भी 3 लेडीज को ले लेते, ठीक है, और 7 जेंट्स में से कोई भी 4 जेंट्स को ले लेते। अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया होता और इसके बाद मेरा आंसर भी देख लेना है कितना आएगा। सेवन सी फोर का चाहो तो कंप्लीमेंट्री कर सकते हो 7C3, ठीक है, हम एक बार बिना कंप्लीमेंट्री के कर लेते हैं जब लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर वो हर वो कमिटी बनाए जहां पर हर तरीके के लोग है, मतलब यहाँ पर वो कमिटी भी जो है अवेलेबल है जहां पर वो जो दो पर्सन जिनके बीच में कुछ अनबन है, एक साथ नहीं जाना चाहते, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई टुगेदर है, वैसा वाला भी हम लोग का यहाँ कमिटी बन गया है। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लिया, हम लोगों ने माना है कि अगर नॉर्मल बस इतने लोगों से कमिटी बनाना है तो कैसा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब ये जो हम लोगों का 1960 वेज है, इसमें हमारा क्या आया है, ऑल टाइप का कमिटी बन गया। ऑल टाइप का मतलब जहां पर जो रेस्ट्रिक्शन था ना, मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई ये टुगेदर है, वो वाला कमिटी भी बन गया होगा, और टुगेदर नहीं है वो वाला भी बन गया हो। हर तरीके का बना है, कुछ भी बचा हुआ नहीं, हर तरीके का बना है। लेकिन मुझे वो कमिटी चाहिए जहां पर वो एक साथ नहीं है, मतलब मुझे अब निकालना चाहिए कि अगर वो एक साथ होते हैं तो कमिटी कितना सारा बनेगा, ऐसा कमिटी जहां पर वो एक साथ होते हैं, फिर उससे इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा नॉट टुगेदर वाला, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि अगर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ होते हैं तो क्या हो, कितने सारे कमिटी बन सकते हैं। अगर ये दोनों टुगेदर है तो कितने सारे कमिटी बन सकते हैं ऐसा, जहां पर ये दोनों एक साथ है, ठीक है, वो हमें चाहिए नहीं, हम लोग लेस कर देंगे ना, लेकिन एक बार निकाल रहे हैं कि ऐसे कितने सारे कमिटी बन सकते हैं। तो देखो कमिटी में नंबर ऑफ लेडीज जेंट्स तो फिक्स है, ठीक है, 3 लेडीज वाला होना चाहिए और 4 जेंट्स होना चाहिए कमिटी में, ठीक है। अब 3 लेडीज में 1 लेडीज तो मेरी फिक्स है, मैंने तो ले लिया है मिसेस एक्स को, ठीक है, 3 लेडीज में मिसेस एक्स फिक्स है, ठीक है, बाकी और 2 लेडीज को चुनना पड़ेगा, और 4 जेंट्स में मिस्टर वाई जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो बाकी बचे 3 जेंट्स को मुझे चूज करना पड़ेगा। तो बोलो इसमें कॉम्बिनेशन में एन यहाँ पर क्या होगा, आर क्या होगा, यहाँ में एन और आर क्या, यहाँ पर एन और आर क्या होगा बताओ। पहले वाले में एन 7 होगा और आर 2, सही बात है, एन 7 होगा आर 2, और इधर एन 6 और आर 3, सही बात। देखो ये हमें तो इतने लोगों को चूज करना है और टोटल कितने लोग हैं वो थोड़ी ना भूलना है, टोटल हमारे पास 8 लेडीज है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो टोटल लेडीज है 8 और टोटल जेंट्स है 7, ठीक है। अब देखो
आठ में से मुझे तीन लोगों को लेना है तो 8c3 होता है, लेकिन उसमें मेरा एक जन फिक्स है, ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे, तो इनको और चूज अलग से क्या करे करना है, तो 1c1 कर सकते हो, बट जरूरत क्या है, तो बचे हुए दो जगह के लिए, बचे हुए दो प्लेसेस के लिए हम लोगों को दो लेडीज को लेना है, तो R2, और किन में से दो को लेना है, बचे हुए सात में से, क्योंकि एक तो इधर आ चुकी है, ठीक है, और जेंट्स के केस में भी वही होगा, टोटल 7 जेंट्स है, ठीक है, जिसमें से एक जेंट्स मैंने फिक्स कर दिया, बचा बच्चे कितने, 6 जेंट्स में से कोई भी 3 जेंट्स को यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7c2 और ये हो जाएगा मेरा 6c3, और ये दोनों चीज एक साथ होगा तो ना कमिटी बनेगा, तो आंसर होगा 7c2 × 6c3, और देखते हैं कितना होता है, कैलकुलेट करें, 420 होगा, 420, अच्छा ठीक है, अब तो तुम लोग मुझे ये बताओ कितने सारे ऐसे कमिटी होंगे जहां पर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ नहीं है, बताओ, कंसेप्ट तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो तुम लोग बता सकते हो क्या आंसर है, ना पड़ेगा, हाँ माइनस करने से कितना आ रहा है बोलो, 1540, सही है, सभी ने सही, नंबर ऑफ कमिटी वेयर मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई इज नॉट टुगेदर, देखते हैं ऑप्शन 1540 का डी, ऑप्शन डी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है, इफ 500c92 इक्वल टू 499c92 प्लस एन सी 91 देन एन इज, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे दिया, हम लिख देते हैं 500c92 499c92 और NC91 पूछा है, N कितना होगा, लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन जो फॉर्मूले से सॉल्व होगा ना, वैसा हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया था, अगर हम ऑप्शन नहीं भी दिखाते हैं तो तुम लोगों को बता तो देना चाहिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन किया था, उसी पे बेस्ड होगा ये बात, कितना बार करवाया तुम लोग को वो फॉर्मूला, लास्ट क्लास में कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले का यूज हुआ और एक फॉर्मूला, इतना भी बता दिया, आगे दो ही फॉर्मूले का हम लोगों ने बार बार यूज किया, कैसे याद करना है वो भी बताया था, सब फॉर्मूला तो बताओ, कौन सा फॉर्मूला सीखे थे वो तो बताओ, यही सीखे थे, सही बात है, लास्ट दिन हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री तो पहले ही सीखा था, उसका भी यूज किया था, और ये फॉर्मूले से हम लोगों ने काफी 3-4 क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो तुम लोग मुझे बताओ आंसर क्या हो, अरे आसान है बताओ, 499 होगा, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पर एक R और एक R माइनस वन होना चाहिए, तो एक 92 एक 91 है, इन दोनों में से R कौन है, R माइनस वन कौन है, बोलो किसको R माने किसको R माइनस वन माने, 92 R 91 R माइनस वन, ठीक है, और ऊपर होना चाहिए एन एन, तो ये मेरा एन है, तो ये एन भी कितना होगा, 499, और ये हमारा जो अंदाजा है वो सही जा रहा है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए इधर होगा एन प्लस वन, तो कितना होना चाहिए,
499 plus 1, तो 499 plus 1 करने से ही तो 500 आता है, और इधर R होना चाहिए, R 92 है इधर भी, तो इसी फॉर्मूले से बना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो था ही, लेकिन ये हम लोग क्योंकि लास्ट दिन ही किया था तो फिर याद थोड़ा बहुत तो होगा जरूर, ठीक है। ये ऑप्शन डी, और वैसे भी सिर्फ ऑप्शन देख के ना तुम लोग इसको कर ही नहीं सकते हो, क्यों बोले? देखो अगर तुम लोग सोचोगे कि अगर ऑप्शन दिया जाता तो हम लोग कर लेते, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं था। अब हम ऑप्शन लिखते हैं, कैसे कर लोगे देखो, क्यों नहीं कर पाओगे वो देख। ये ना ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम लोग ये 501 ही यहाँ पर लगाते हो, ठीक है, पहला बात है, तो फिर तुम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा कि 500 C92 का वैल्यू कितना होता है, बोलो क्या ये सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको 92 से लेके कहाँ तक लिखना पड़ेगा बोलो तो? 92 से 1 तक, 1 तक, और वो पॉसिबल है? इतना सारा डेटा कैसे लिख लोगे? मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन थोड़ी ना इतना टाइम है हम लोग के पास कि 92 से लेके हम लोग 1 तक लिखेंगे, फिर ऊपर का 500 से लेके नीचे जितना फैक्टर है उतना लिखेंगे। और अगर सोचोगे कि हम लोग कम्प्लीमेंट्री कर लेंगे तो 92 करने पे जो कम्प्लीमेंट्री का वैल्यू आएगा वो तो और बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा मत सोचो कि हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन से नहीं कर सकते हो, मतलब ऑप्शन को पुट करके वैल्यूज वगैरह निकाल के नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ना कभी कभी कि ठीक है फॉर्मूला याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से करो, लेकिन डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एकदम अगर याद नहीं रखोगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग ना कर पाए, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, देखो फॉर्मूला तो लास्ट दिन याद करवाया ही था मैंने, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर, द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज, ठीक है। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन पहले बताते, बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 6-3 डिसीजन को मान लिया है लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्या डिसीजन दिया है 6-3 डिसीजन, इसका मतलब बताएंगे हम, लेकिन इतना समझो कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो है 6-3 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, ठीक है। अपहोल्ड करने का मतलब है मान लेना, ठीक है, मतलब इसी चीज को मान लेना। द नंबर ऑफ वेज, ऐसा कितना सारा तरीका है, इट कैन बी गिव ए मेजर डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट, ताकि हम लोग लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर सके, क्या ऐसा कोई हमारे पास होता है, ठीक है। थोड़ा लॉ टाइप का क्वेश्चन है तो हम बताते देखो कैसा होता है ये, यहाँ पर जो मतलब रूल्स है वो कैसा होता है लॉ का। तो देखो एक्चुअली पहले जो मेन पावर था ना, मतलब ये जो जजमेंट का सिस्टम था, तो वहां पर जूरी सिस्टम चलता था, ठीक है, जूरी सिस्टम चलता था, ठीक है। और हमेशा जूरी जो है वो ऑड नंबर में होता था, ऑड नंबर जूरी मेंबर होता था, ठीक है, ऑड नंबर जूरी मेंबर होता था पहले, ठीक है। अच्छा अब जो है, अब जूरी नहीं, अब जो है जज सिस्टम चलता है, ठीक है, जज सिस्टम, अब जज सिस्टम चलता है। और हमारे पास अगर कोई भी इश्यूज हो तो हमारे लिए कितने सारे कोर्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम होने से जाना पड़ता है, पहला अपील जो है यहीं पर लगाना पड़ता है। अगर हमें यहाँ से कुछ भी हमारे फेवर में नहीं मिला, ठीक है, मान लो कि हम लोग किसी क्लेम के लिए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है, बट यहाँ हमारा कोई सलूशन नहीं हो रहा है, या फिर जज ने जो फैसला दिया वो, मतलब सेशन कोर्ट की जो जज है उन्होंने जो फैसला दिया वो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट जा सकते हैं हाई, ठीक है। अब हाई कोर्ट में भी जो राय आया मान लो वो हमारे फेवर में नहीं गया, तो हम लोग इसके बाद फिर से जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यही लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आगे जो हमारे भारत का सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो
मतलब जूरी मेंबर जैसे मैंने बोला ऑड नंबर होता था, इसका एक रीजन है, ठीक है, जूरी मेंबर ऑड नंबर होने का रीजन है। जैसे मान लो कि जैसे तुम लोग जो होता है ना आजकल कंपटीशन वगैरह जो टीवी वगैरह में देखते हो ना, तुम लोग उतना टीवी नहीं देखते हैं आजकल, पहले तो देखते थे, अभी तो बहुत सालों से नहीं देखते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो वो होता है ना जो क्या बोलते हैं उसे, कंपटीशन वगैरह होता है ना गाने का डांस का, ठीक है, मान लो यहाँ तीन जज है, वो रहते हैं ना, वो जो है बजर बजर दबाते रहते हैं कि भाई हाँ मुझे पसंद आया, बोलते मुझे पसंद नहीं है। मान लो ये एक जो है कंटेस्टेंट है, इन्होंने जाके मान लो गाना गाया, ठीक है, ये सिंगर है, ठीक है, इन्होंने गाना गाया। अब इन तीनों को बताना है कि ये आगे वाले प्रोसेस में जाने वाले है कि नहीं, मतलब पहला तो होता है ऑडिशन, ठीक है, ऑडिशन में सिलेक्ट होने से उसके बाद एक ग्रुप का मतलब एक है। तो मान लो तीन जज है, इसने यस बोला, इसने बोला हाँ अच्छा लगा, आप सेकंड वाले राउंड में जाइए, इसने नो बोल दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या ये जो कैंडिडेट है ये सेकेंड स्टेप में जाने, मतलब सेकेंड राउंड में ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ, ये सिलेक्ट है कि नॉट सिलेक्ट है? अगर दो ने हाँ बोला है, एक ने ना बोला है, एक को पसंद नहीं आया, बाकी दोनों को पसंद आया, तो मुझे ये बोलो। हाँ बोला, आवाज नहीं आ रही। सिलेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ने हाँ बोला तभी ना, एक का ना कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑड नंबर है तो पॉसिबल है। अब बोलो यहाँ पर और एक जज हो जाता, ये नो, दोनों नो बोल रहे, ये दोनों यस बोल रहे, फिर तो टाई हो जाता है। तो इसीलिए देखोगे जज जो है जो फैसला देते हैं उनको ऑड नंबर पे रखा जाता है, ठीक है, उनको इवन नंबर पे नहीं रखा जाता, क्योंकि इवन नंबर पे रखोगे तो वो तो बार बार टाई होते जाएगा, ये तो काफी मुश्किल है, मतलब हाँ ना बताने वाले बात में। नंबर काउंटिंग में कभी कभी जज मार्क्स भी देते हैं कंपटीशन में, उसमें मार्क्स में टाई हो सकता है, तो कभी कभी दो जन फर्स्ट हो जाते हैं, दो जन सेकंड, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली कोई जजमेंट का बात आता है ना, तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस को रखा जाता है ताकि फैसला देना या जो भी हो वो आसान हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये बात समझ में आया है, ठीक है, तो फिर तुम लोग मुझे ये लाइन का मतलब बताओ। बोल रहा है कि 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट का डिसीजन कुछ ऐसा है। लोअर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है 6-3, ठीक है, 6-3, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड कर दिया। तो मुझे बोलो टोटल जज कितने थे, टोटल जज कितने थे? छह तो नहीं होगा, थोड़ा और सोचो। 6-3, जैसे अभी मैंने बोला ना, यहाँ पर जो दो लोगों ने हाँ बोला वो था हम लोग का 2-1, मतलब दो ने हाँ बोला एक ने ना बोला, ठीक है, 2-1 बोलेंगे इसको, और ये है 6-9, ठीक है। तो टोटल जज या जूरी मेंबर जो भी हो वो थे 9 लोग, ठीक है, 9 लोगों में से 6 लोगों ने बोला है। देखो अब कोई दूसरे वाले कोर्ट में क्यों जाएगा, उसके फेवर में अगर फैसला नहीं हुआ होगा, मतलब उसने उसको अगर कोई कोर्ट ने गिल्टी करार किया होगा, ठीक है, अगर मुझे कोई गिल्टी बोलता है, हम ये मानते कि भाई हम गिल्टी नहीं है, तब ना हम दूसरे वाले कोर्ट में जाना चाहेंगे। अगर मुझे मेरा फैसला मेरे फेवर में ही मिल जाए तो हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट, क्यों जाए हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में ही मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि लोअर कोर्ट डिसीजन में, यहाँ पर देखो छह लोगों ने बोला है, मतलब 6 मेंबर ने बोला है गिल्टी और 3 लोगों ने बोला है नॉट गिल्टी। तो बोलो अगर 6 लोगों ने गिल्टी और 3 लोगों ने नॉट गिल्टी बोला है, तो ओवरऑल इन पे क्लेम क्या आया, गिल्टी का या नॉट गिल्टी होने का? गिल्टी का, ठीक है। तो मतलब पनिशमेंट मिलने वाला था तभी ना भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, ये देखो पनिशमेंट होगा तभी तो वो भाग के सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन समझ में आएगा, बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव ए 6-3 डिसीजन ऑफ होल्डिंग, मतलब ऑलरेडी जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिसीजन का डेटा आया तो उन्होंने देखा 6-3 है, उन्होंने अपहोल्ड कर दिया, बोला नहीं नहीं उन्होंने सही बोला है, ये पूरे केस जो इन्होंने फैसला दिया है हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही दिया है। तो बोल रहे हैं ऐसा क्या करें ताकि ये जो डिसीजन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब ऐसा क्या हो जाए कि ये डिसीजन रिवर्स हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को आगे ले जाए तो ऐसा क्या हो कि
उनका जो है नॉट गिल्टी हो जाए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, टोटल 9 लोग है, ठीक है। 9 लोगों में से मुझे एक चीज बोलो, अगर कितने जज गिल्टी बोलेंगे तो ठीक है, और कितने जज नॉट गिल्टी बोलेंगे तो उनका नॉट गिल्टी आएगा, क्योंकि हमें तो नॉट गिल्टी चाहिए। देखो जैसे हम बोलते हैं, अगर 9 के 9 जज ने बोल दिया कि नॉट गिल्टी, ठीक है, तो मेरा डिसीशन रिवर्स हो जाएगा। मुझे डिसीशन रिवर्स कितने तरीके से हो सकता है वो पूछा है, ठीक है। रिवर्स का मतलब कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, और एक भी जज ने गिल्टी नहीं बोला। या फिर ऐसा हो सकता है कि 8 लोगों ने बोला नॉट गिल्टी और एक जज ने बोला गिल्टी, फिर भी डिसीशन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है नॉट गिल्टी है और एक जो है गिल्टी है। ऐसा करके और क्या हो सकता है ये तुम लोग मुझे बताओ। मैंने दो बताया, और बताओ क्या क्या हो सकता है, इधर और इधर का बताओ। 7-2, 7-2, 6-3, 5-4 और कुछ होगा मैम? और नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा। अगर हम लोग इसके बाद अगर करने जाए ना, तो देखोगे डिसीशन रिवर्स नहीं होगा, एज इट इज ही रह जाएगा। जैसे मान लो इधर 4 कर दिया, इधर 5 कर दिया, अब 4 लोग नॉट गिल्टी, एक 5 बोल रहा है गिल्टी, तो फिर रिवर्स कैसे होगा? नॉट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था कि बोलो कि ऐसा क्या हो कि जो डिसीशन है वो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस ओपन हो, मतलब उन्होंने तो उस डिसीशन को अपहोल्ड कर दिया कि ये डिसीशन सही है, लेकिन अगर कोर्ट में केस ओपन हो और फिर से इस बात को देखा जाए, ऐसे सिचुएशंस, ये कुछ सिचुएशन जनरेट होने पे डिसीशन जो है वो रिवर्स हो सकता है, हम लोग को ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को इसको, अब ये तो गया पूरा स्टोरी, अब हमें इसको अगर मैथ्स में दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 9 में से, मतलब यहाँ पर हम लोग का एन कितना हो गया, 9, टोटल 9 जज है, और उसमें से आर हमारा वेरी करना चाहिए। आर कितना कितना होगा, आर कितना होने से हमारा रिवर्स होगा? 9, 8, 7, 6 और 5, मतलब ये जो तुम लोगों ने इधर गिल्टी वाला लिया है ना, देखो 9 अगर मेरा 0 हुआ तो भी ठीक है, 9 अगर मेरा 1 हुआ ये भी ठीक है, 1, 2 ठीक है, 3, 4, 5 इस तरीके से होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9C9, फिर उसके बाद, या फिर 9C8 हुआ तो भी हम लोग का काम होगा, 9C7 हुआ तो भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगा, 9C6 हुआ तो भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगा, 9C5 हुआ तो भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगा, ठीक है। अब 9C9 1 होता है, ठीक है, जैसे NCN1 होता है, 9C8 का कंप्लीमेंट्री करेंगे 9C1 तो जल्दी हो जाएगा, 9C7 का भी कंप्लीमेंट्री करेंगे 9C2, 9C6 का भी कंप्लीमेंट्री करेंगे 9C3, 9C5 का भी कंप्लीमेंट्री करेंगे 9C4, थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसे किया, ये 9 यहाँ नीचे 1, 2 और 1, 9 और 8, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7 और 6, देखते हैं कितना होता है, 1+9, 36, 28 × 3, 84, 18 × 7 126 + 84 + 36 + 10, 256 मैंने ए लिख दिया, एक्चुअली ऑप्शन जो है ए था, ठीक है, आंसर का। तो 256 वेज है कि हम लोग अपना जो केस है उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, टोटल 256 वेज, ठीक है। ये सब जो है थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, आगे जाके हमें सारा ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ही मिले। अच्छा अब देखो 22, ये भी काफी अच्छा है क्वेश्चन, देखो बोल रहा है 5 बल्ब्स ऑफ विच
three are defective are to be tried in two bulb points in a dark room. Number of trials, the room shall be lighted. मतलब बोल रहा है कि हमारे पास टोटल पांच लाइट्स है, बल्ब्स है, ठीक है, जिसमें से तीन डिफेक्टिव है और हमें क्या करना है, वो सारे बल्ब को लेके ट्राई करना है. और जहां जिस रूम के अंदर ट्राई करना है वो रूम पहला बात है डार्क है, मतलब अंधेरा है, और वहां पर बल्ब लगाने के लिए दो बल्ब का पॉइंट्स बना हुआ है, क्योंकि बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है ना, तो वो दो होल्डर का पॉइंट्स बना हुआ है. हमें ये बताना है कि कितने सारे ट्रायल कर सकते हैं ताकि रूम जो है लाइटेड हो जाए, मतलब रूम में रोशनी दिखे, ऐसा कितना सारा ट्रायल हमें करना पड़ सकता है, ये पूछा है. ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन ना तुम लोग को क्या बोलते हैं उससे प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, सेम इस तरीके का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा. आंसर की 6 होगा, आंसर 7 होगा, 7 होगा. अच्छा देखो 5 बल्ब्स है, मान लो 5 बल्ब का ना नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई. ठीक है, अब जो डिफेक्टिव है ना उसको हम किसी एक तरीके से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, जैसे मान लो मैंने रेड से डिनोट कर दिया. ठीक है, ये जो सी है, सी वाला बल्ब जो है डिफेक्टिव है, डी वाला भी मान लो डिफेक्टिव है, ई वाला भी मान लो डिफेक्टिव है, क्योंकि हमें बोला है तीन डिफेक्टिव बल्ब है. तो मैंने डिफेक्टिव को कैसे डिनोट किया, इस तरीके से रेड कलर से डिनोट कर दिया, भाई ये लगाने से चलेगा. अब ये रहा घर, ठीक है, ये घर में हमें बल्ब लगाना है. ठीक है, यहाँ एक मान लो बल्ब का पॉइंट है, यहाँ एक मान लो बल्ब का पॉइंट है, यहाँ हम लोग एक बार बल्ब लगाएंगे. ठीक है, यहाँ भी एक बल्ब लगाएंगे. ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से बल्ब लगाना है ताकि घर पे रोशनी हो जाए. ठीक है, घर पे रोशनी हो जाए. तो बोलो कौन कौन से बल्ब सिलेक्ट करने से रोशनी हो सकता है. जैसे कि देखो अगर हम ए और बी बल्ब लेते हैं तो बोलो एक जगह पे ए लगा दिया, एक जगह पे बी बल्ब लगा दिया, मान लो ऐसा दो पॉइंट है, तो क्या घर में लाइट जलेगा, मतलब रोशनी होगा कि नहीं होगा? होगा. अच्छा और बोलो और क्या हो सकता है, मैंने एक बताया और तुम लोग बोलो क्या हो सकता है. आंसर तो पता चल गया होगा तुम लोग को, मैंने 7 बोल भी दिया, लेकिन 7 तुम लोग को बताना तो पड़ेगा कैसे 7 हो. एक होगा और एक सी होगा तब भी होगा शायद. एक ए होगा और दूसरा सी होगा तो भी लाइट तो है रूम में, दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मैंने एक अच्छा वाला बल्ब लिया है, एक जो है डिफेक्टिव लिया है. तो अगर जलाएंगे, सी नहीं जला, नहीं जलेगा, ए तो जलेगा. मुझे रूम में ऐसा थोड़ी बोला है, दोनों ए डी भी होगा, दोनों पॉइंट दोनों बल्ब से ही लाइट करना है ऐसा हमें नहीं बोला है. ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा एक बुरा ले सकते हैं, तो इसीलिए ए डी भी चलेगा और ए ई भी चलेगा और बी सी बी डी और बी बी सी सी डी और बी डी बी ई बी ई. अच्छा चलो देखते हैं बी सी मैम डी ई ने बी अच्छा बी ई हाँ सी डी जो है CD भी नहीं होगा क्योंकि दोनों खराब बल्ब से तो रोशनी हो नहीं सकता है. DE भी नहीं होगा क्योंकि दोनों खराब बल्ब से रोशनी नहीं हो सकता है. अच्छा और क्या होगा फिर B और BE ये हो सकता. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो 7 ऑप्शंस है जिससे हम लोग का जो है रोशनी हो सकता है. और एक ऑप्शन भी नहीं होगा बता सकते, और एक ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए, क्या होगा बता सकते? BA. हाँ यहाँ पर और एक ऑप्शन हम लोग का होगा, एक सी डी लिखा है, एक डी ही लिखा है, एक सी ई होगा, सी ई. ये वाला ऑप्शन भी हम लोग का फेलियर हो जाएगा अगर हम लोग सी और ई ये दो बल्ब ले लेते हैं, ये ऑप्शन भी हमारा फेलियर होता है. तो टोटल तो इतने सारे ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेकिन उसमें से 3 ऑप्शन फेलियर है. ठीक है, तो 10 - 3 यानी 7 आंसर होगा. लेकिन ये तो मैंने तुम लोग को ड्रॉ ड्रॉ करके बता दिया,
ऐसे भी कर सकते हो, कौन सा तुम लोग को लिख के दिखाना है। लेकिन अगर फॉर्मूले में दिखाओगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में ऐसे हो जाएगा, हमारे पास टोटल बल्ब है 5 जिसमें से हमें सिलेक्ट 2 बल्ब को करना है, ठीक है। तो हम कर देते हैं 5C2, लेकिन इसमें से रोशनी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये और ये सिलेक्शन आ गया तो फिर तो नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये तीनों सिलेक्शन को हटा देना है, तो वो तीनों सिलेक्शन को हटाने के लिए मेरा एन कितना होगा और आर कितना होगा, मुझे ये बताओ। ये जो सिलेक्शन है इसमें हमारा हर तरीके का सिलेक्शन आ गया, इसको सॉल्व करने से कितना आना चाहिए, फिर बता सकते हो इसको सॉल्व करने से बिना सॉल्व किए बताओ कितना आना चाहिए। यहाँ जितना 10 आना चाहिए, ठीक है, 10 ऑप्शन। लेकिन 10 ऑप्शन में तो ये भी आ गया है ना जिसमें दोनों खराब है, तो उस केस में उसको मुझे एलिमिनेट करना चाहिए। तो एन और आर बताओ, एलिमिनेशन का एन और आर कितना होगा मैम? N3R2। हाँ देखो, ये तीनों में से कोई भी दो मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, तीनों में से जब भी सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ये या इसको रखना ही पड़ेगा। मतलब हर सिलेक्शन में देखो, या तो मेरा ए दिख रहा है सामने, या तो मेरा सामने बी दिख रहा है। अब मतलब सामने का मतलब ऐसे कि बी सी लिखो, सी बी लिखो, बात बराबर है, लेकिन मुझे हर बार ए या बी बल में से कोई एक को तो रखना ही है, तभी जाके पॉसिबिलिटीज है। तो ये हो जाएगा 3C2, ये सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये सिलेक्शन 3 आंसर लाना चाहिए। इस सिलेक्शन 3 आंसर आ गया, 3 ये वाला जो क्रॉस क्रॉस है। तो वही 10 - 3 मतलब 7, मतलब तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में 5C2 - 3C2 और सॉल्व करने के बाद 7, ठीक है, ऐसे करते हैं। हो गया, ये वाला भी काफी अच्छा था क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 5D, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जब परमुटेशन कर रहे थे ना तभी कर लिया था, क्योंकि ये मिसलेनियस वाला टॉपिक है, यहाँ पर मिक्स्ड अप है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लास्ट क्लास में एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये देखो तुम लोग को याद है कि नहीं, हम दिखा देते, इसीलिए इसको भी हम नेक्स्ट और नहीं करवा रहे। अब इस PDF में अगर नहीं है तो नहीं दिखा पाएंगे, याद तो नहीं। हाँ ये वाला, ठीक है, ये आंसर आया था ना 136, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा, ये वाला एग्जामिनेशन वाला जो वर्ड है उसमें से मुझे 4 लेटर का सिलेक्शन करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम एज एग्जाम्पल 6 है, तो इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग 3rd नंबर वाला बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वावल्स इन ईच वर्ड इज, बोल रहा है कि कितने सारे अलग अलग वर्ड बना सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं 12 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स से, और जब भी वर्ड बनेगा तो उसमें 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लोग बताओ कि क्या आंसर होगा, हम क्वेश्चन एक बार समरी बना देते हैं। हम लोग के पास 12 कॉन्सोनेंट है और 5 वावल्स है, तो 5 वावल्स तो पता ही है, 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू, और 12 कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ भी 12 कॉन्सोनेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बी सी डी, ठीक है, ए हट गया, बी सी डी ई हटाओ, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और एक होना चाहिए एम एन पी, ठीक है, देखते 12 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, अब ऐसा मत सोचो कि यही लिखना पड़ेगा, क्या हम लोग इसमें भी नहीं ले सकते हैं, डब्ल्यू नहीं ले सकते, ले सकते हो, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया रैंडमली लाइन बाय लाइन कि हाँ ये सब 12 कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग को वर्ड जो बनाना है उस वर्ड में बोल रहा है क्या होना चाहिए, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स होना चाहिए, तो कितने लेटर का वर्ड बनेगा अगर मुझे जो वर्ड बनाना है
उसमें चार कॉन्सोनेंट और थ्री वावल्स होना चाहिए, तो कितने सारे लेटर का वर्ड बनेगा? सेवन. वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है, सेवन प्लेसेस को मुझे फिलअप करना है और चार कॉन्सोनेंट और थ्री वावल से फिलअप करना है. तो बोलो कैसे हुआ? 12C4 × 5C3 होगा. 12C4 × 5C3. ठीक है, अच्छा पूरा ठीक नहीं हुआ है, आधा है अभी भी आंसर, आधा है. ठीक है, तो देखो 12C4 हम बता देते हैं, अगर जिनको नहीं समझ में आया, मेरे पास 12 कॉन्सोनेंट है, उसमें से मुझे चार कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा, इसीलिए 12C4 ये कॉन्सोनेंट के लिए. और मेरे पास फाइव वावल्स है, उसमें से मुझे जब भी लेना है थ्री वावल्स लेना है, तो 5C3 हो गया. ये दोनों चीज अगर एक साथ लेंगे तो हम लोग का ये बच जाएगा. ठीक है, अब ये तो बना कॉम्बिनेशन, तो अगर हम लोग वर्ड बना रहे हैं तो हमारा वो कॉम्बिनेशन होगा कि परमुटेशन भी उस पे होना चाहिए. मतलब मैम परमुटेशन, हाँ मतलब हम ये समझा रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ से चार कोई भी कॉन्सोनेंट लेते हैं, मान लो हम रैंडमली ये फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं, बी सी डी एफ और तीन वावल्स ले लिया, ए ए आई. ठीक है, अब इसी में अगर हम यही सारे चीजों को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, कैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, बी डी सी ए एफ आई ई, तो बोलो क्या ये और ये वर्ड सेम है कि अलग हो गया? दोनों वर्ड जो मैंने लिखा क्या दोनों वर्ड अलग हो गए? ठीक है, दोनों वर्ड सेम नहीं है, दोनों वर्ड अलग हो गए. तो इसका मतलब है कि हमें सिलेक्शन तो करना है, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जो सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें परमुटेशन भी लग जाएगा. ठीक है, तो अब परमुटेशन को कैसे लिखोगे? ये सही है, ये सिलेक्शन, क्योंकि देखो हम लोग का ये क्वेश्चन परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का है, तो सिलेक्शन तो वर्ड कर लिया, अब जो भी वर्ड सिलेक्ट होगा वो फिर अपने अंदर परमुटेशन होके अलग अलग जो है वर्ड बना देंगे. ठीक है, तो मुझे बोलो यहाँ पर परमुटेशन का आंसर क्या होगा? परमुटेशन के केस में एन कितना और आर कितना, क्योंकि वहां भी तो एन आर ही लगता है ना, तो एन कितना आर कितना. तो वर्ड अभी मैंने तुम लोग को दिखाया, परमुटेशन कर अरेंज करके दिखाया, तो कितने सारे वर्ड थे, कितने सारे वर्ड को अरेंज किया बोलो, एन और आर कितना? एन 17 और आर 7. एन 7 आर भी 17, 7 दोनों ही 7 7 होगा, क्योंकि मुझे अगर सात जगह को फिलअप करना है तो हम तो सात ही लिए ना. अभी देखो मैंने तुम लोग को यहाँ से सात ही तो पिक करके दिखाया, और उस सात लेटर जो मैंने लिया उसको मैंने फिर से तुम लोग को वर्ड जो मैंने लिया सॉरी लेटर जो मैंने लिया उसको मैंने तुम लोग को दो तरीके से करके दिखाया. ठीक है, तो वैसे ही तो ये आंसर होगा 7P7. ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए, साथ साथ हर एक बार के जो सिलेक्शन है उसमें परमुटेशन भी एप्लीकेबल होना चाहिए. जैसे ये 7 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बताने में, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताते. जैसे मान लो मैंने दो वावल्स लिया ए और ई, ठीक है, और मान लो एक कॉन्सोनेंट लिया बी. ठीक है, अब जब हम ले रहे हैं ए ई बी, ठीक है, ए ई बी ले लिया, अब मान लो मुझे दो लेटर का वर्ड बनाना है. ठीक है, अब मुझे बोलो तो क्या क्या वर्ड बनेगा, ये तुम लोग खुद भी बना सकते हो. तो मुझे बोलो पहले प्रैक्टिकली बताओ क्या क्या होगा. अगर मुझे दो लेटर वाला वर्ड बनाना है और मेरे पास टोटल जो कॉन्सोनेंट है वो ए सी है, सॉरी ये मैंने वावल्स लिखा था गलत कर दिया, ए ई ये वावल्स लिया था और ये कॉन्सोनेंट लिया है मान लो बी, तो मुझे बोलो क्या क्या वर्ड बनेगा. बोलो क्या क्या बनेगा अगर मुझे दो लेना है, और जब भी लेना है मान लो मुझे कॉन्सोनेंट और वावल्स एंड सी डी, ये ई है, सॉरी मैम ई बी, बस ये दो ही बनेगा, तब फिर परमुटेशन कैसे हो? और बोलो और भी बने बी ए और बी ई भी हो,
बी ए और बी ई ये भी बनेगा, ठीक है, बी ए और बी ई भी बनेगा, क्योंकि वर्ड में ई बी और बी ई अलग चीज होता है, ठीक है, ये कोई कॉम्बिनेशन सिर्फ लगाने से नहीं होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले बार हम लोगों ने ए बी सिलेक्ट किया, मतलब हम बोल रहे हैं हम लोग का जो वर्ड बनेगा उसमें भावल कॉन्सोनेंट दोनों होने चाहिए, तो ए बी और ई बी, ए बी ई बी, अब इसका ऑपोजिट कर दो बी ई बी ए, ये भी बनेगा, ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे तुम लोगों ने यहाँ 12 सी 4 किया, ठीक है, तो हम यहाँ से भी वैसे बता सकते हैं, तो देखो हम लोग को यहाँ से दो वावल्स में से एक वावल लेना है जब भी लेना है, और एक कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट लेना है, तो 2C1 × 1C1, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद करना है इसीलिए परमुटेशन, हाँ इसको अरेंज करना है, इसीलिए परमुटेशन अरेंज इसीलिए करना है क्योंकि अरेंज करने से मतलब अलग बनता है, क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी ए एक बात नहीं है, इसीलिए अरेंज होगा, और अरेंज होगा तो परमुटेशन लगेगा। अब अगर अरेंज हो रहा है तो उस केस में 2P2 हो गया, अब इसका भी आंसर देखो 2 by 1, 1 by 1, 2P2 का आंसर हो जाता है 2 factorial, तो आंसर हो गया 4, ठीक है, ये देखो 1, 2, 3, 4, वही वाला चीज यहाँ पर bigger formation में, same वही चीज यहाँ bigger formation में, ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा सा क्वेश्चन से बता दिया, क्योंकि ये तुम लोग को समझना पड़ेगा कि वर्ड अगर मेरा बनाने के लिए बोला है तो वर्ड के केस में ए बी सी और बी सी ए एक बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड का अरेंजमेंट है। तो अब इसका सोल्यूशन करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। सेवन फैक्टर देखते हैं कितना, फाइव इंटू नाइन इंटू इलेवन, सर कुछ 2, 4, 9, 4, 8, 0, 2, 4, 9, 4, 8, 0, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हम लोग का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब पूरा नहीं दिया हुआ है, सेवन फैक्टोरियल को रख दो और बाकी आंसर निकालो, देखो ये तो हम लोग का होगा नहीं, ऐसा तो हम लोग का आंसर आ नहीं रहा है कि 17C7 कॉम्बिनेशन टोटल करके लगा दिया, ना तो ऐसे आ रहा है, सिर्फ इससे आंसर हम लोग का नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन है, इसके बाद हम लोग सेवन फैक्टोरियल लगा रहे हैं, तो तुम लोग सेवन फैक्टोरियल मतलब मुझे लगता है फिर सी ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेवन फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करके सिर्फ ये वाला सॉल्व करके देखो और बाकी सेवन फैक्टोरियल रहने दो तो पता चल जाएगा सी होगा कि नहीं। हाँ मैम हो रहा है। हाँ तो फिर सी होगा, ठीक है, 4950, ठीक है, 11 × 5 × 9 और इधर हो गया 10, 5 × 2 10, 10 × 5 = 9, 90 और 55, मेरा देख लेते सही कैलकुलेट हुआ है कि 19 × 55, हाँ सही बात, 4950 और ये हो गया इंटू फैक्टोरियल 7, यानी कि आंसर मेरा सी, ठीक है, और इसको भी अगर फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, सेम आंसर आना चाहिए, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table, ठीक है, एक rectangular table में 8 guests जो है each side बैठने वाले, मतलब कैसा होगा, draw इस तरीके से, next page में, मान लो ये table है rectangle form में बोला, ठीक है, और दोनों साइड में बोल रहा है कि चार चार आठ लोग बैठेंगे, तो यहाँ भी चार जगह खाली होगा तभी बैठ पाएंगे, इधर भी चार जगह होना चाहिए तभी बैठ पाएंगे, मतलब इधर चार लोग जाएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इधर भी चार लोग जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ही में बताया, इधर चार लोग बैठने वाले, ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है
कि टू पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, बोल रहा है दो पर्टिकुलर गेस्ट है, कोई भी दो पर्टिकुलर गेस्ट है वो एक साइड में ही बैठेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो पर्टिकुलर गेस्ट मतलब इनमें से दो या फिर इनमें से दो एक साइड बैठने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इधर दो लोगों को बैठाते, मान लो ये पहले दो आके यहाँ पर एक जन बैठ गया, यहाँ पर एक जन बैठ गया। अब देखो तुम लोग इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ एक और यहाँ एक, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इधर, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। तो दो पर्टिकुलर गेस्ट कोई भी दो जगह पे बैठा दो, दो पर्टिकुलर गेस्ट जो है वो एक साइड में बैठने वाले हैं, ठीक है, वो एक साइड में बैठने वाले हैं। एंड द थ्री ऑन द अदर साइड, और तीन पर्टिकुलर लोग इधर ही बैठेंगे, तो तीन को इधर बैठा देते, ठीक है। तो ऐसे ये रहा एक दो और तीन, ठीक है, मैंने लगातार तीन कर दिया। अब ये तीन का पोजीशन तुम लोग ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो, ये दो ही ऑप्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये दो का पोजीशन तुम लोग ऐसे ले सकते थे या फिर ऐसे ले सकते थे या फिर ऐसे ले सकते, ठीक है। ये दो का पोजीशन तुम लोग ये तीन तरीके से कर सकते थे ड्रॉ में दिखाने के लिए, ठीक है। अब रहा बात, क्या हम लोग इधर तीन इधर दो नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हो, एक ही बात है, इधर तीन इधर दो करो या इधर दो या इधर तीन करो, किसी भी एक तरीके से तो हमें एजम्पशन करके स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड, कितने तरीके से हम लोग फिर लोगों को बैठा सकते हैं अगर ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। मतलब बात ये हो गया कि दो लोग इधर आ गए तो बाकी जो दो है ना, मान लो ये बैठ रहे इधर और ये बैठ रहे इधर, तो ये बाकी दो जो है वो इन दोनों जगह में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और इधर ये तीनों, मान लो ये तीनों चले गए इधर, ठीक है, तो ये एक जो है वो ये जगह में कहीं पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक चीज समझने वाला है, ये जो बच्चे तीन ना, ये जो तीन बच्चे हैं ये इन तीनों में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये तीन जो है वो या तो ये तीन प्लेस में बैठेंगे या तो ये तीन प्लेस में बैठेंगे, और अगर इधर हो गया तो इधर तीन या इधर तीन, ये लोग जो है तीन एक ही जगह पे बैठने वाले हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं? अब हम ना गेस्ट का नाम दे रहे हैं, देखो अपने हिसाब से मैंने गेस्ट का नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब कोई भी दो गेस्ट इधर जाएगा, कोई भी दो, हमें कोई पर्टिकुलर कौन से दो गेस्ट जाएगा वो नहीं पता, कोई भी तीन इधर जाएगा, लेकिन जो तीन इधर जाएगा वो इधर नहीं आएगा, जो दो इधर जाएगा वो इधर नहीं आ सकता है। ये फिक्स्ड है कि अगर इधर कोई दो पर्टिकुलर गेस्ट बैठेंगे और इधर तीन पर्टिकुलर गेस्ट बैठ रहे हैं तो बाकी लोग इधर जो है ये इंटरचेंज आपस में नहीं करेंगे, लेकिन बचे हुए तीन लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं, देखो मान लो कि यहाँ पर एबीसी जो है ये तीन है फॉर एग्जाम्पल, और डी ई जो है ये दोनों, ठीक है। तो बच्चे कितने, एफ जी एच। अब एफ जी एच का ना कोई इश्यूज नहीं है, उनको ये तीन में से कहीं पर भी बैठा हो वो बैठ जाएंगे, ठीक है। एफ को यहाँ बैठने बोलो, यहाँ बैठने बोलो, यहाँ बैठने बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ये तीनों में से कोई भी जगह पे बैठ सकता है, एच भी ये तीनों में से कोई भी जगह पे बैठ सकता है, ये अपने आपका जगह जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे बोला है। लेकिन ये एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेंगे, ऐसा है, ठीक है। अब मैंने नाम अपने हिसाब से दिया, तुम लोग कोई भी नाम से इस चीज को समझ सकते हो। तो पूरा स्टोरी जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें अरेंजमेंट कैसे करना है, पहले हम लोग एक साइड का करेंगे उसके बाद दूसरे साइड का करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो इस साइड में टोटल चार लोग थे, चार में से कोई भी तीन इधर बैठेगा तो वो कैसे होगा, चार में से जो तीन इधर बैठेंगे उसको कैसे सिलेक्ट करोगे चार में से? तो इधर लाइन में कोई भी चार लोग और इधर लाइन में कोई भी चार लोग है, तो मैंने एबीसी को रखा है, तो इसका मतलब मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम कुछ और होगा, और इसका डी और ई है, ठीक है। तो मुझे बोलो यहाँ पर चार में से कोई भी तीन लोग जाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे, फोर कैसे लिखना पड़ेगा, 4C3, ठीक है। अब ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ए बी सी के जगह बी ए सी सी ए बी, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताओ। हो सकता है, हो सकता है। तो फिर अगर ऐसा भी होगा तो फिर इनमें अगर इंटरचेंज होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल
थ्री फैक्टोरियल यानी थ्री पी थ्री, और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो मैंने पहले ये तीनों का अरेंजमेंट दिखा दिया, ठीक है। अब इधर इन दोनों का दिखाएंगे, उसके बाद बाकी दिखाएंगे। अब इन दोनों के केस में क्या होगा बोलो, ये चार में से कोई भी दो इधर आ जाएंगे, जो भी नाम हो, मैंने तो डी लिखा है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वो एक साथ ही रहेंगे, तो क्या होगा, इन टू। अब ये दोनों अपने अंदर तो चेंज कर सकते हैं ना, कितना टू फैक्टोरियल यानी टू पी टू या फिर टू फैक्टोरियल हो गया। तो हम लोगों ने ये सीट कवर करवा दिया और ये भी हो गया, बचा ये वाला। अब ये जो जगह है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इधर इसी को बैठना है। अब बचे जो लोग है ना एफ जी एच, वो तीनों में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो इनके अंदर सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी है, मतलब ऐसे भी हो सकता है एफ जी एच, या फिर ऐसे भी हो सकता है जी एफ और इधर एच हो गया, या फिर एच एफ जी, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिलेक्शन तो करना ही है, बिकॉज परमुटेशन तो सिलेक्शन और परमुटेशन दोनों को मिला के होता है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन मिला के परमुटेशन होता है। तो इन तीनों के अंदर हम लोग डायरेक्टली परमुटेशन कर देते हैं, तो तीन के अंदर परमुटेशन कैसे होगा बोलो। ये जो जगह है यहाँ पर 3p3 और ये सारे चीज एक साथ होने चाहिए, तभी जाके आठ लोग बैठेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डेटा आया हम लोग का, इधर देखे तो 4c2 2p2 इंटू 4c3 3p3 इंटू फिर से 3p3। अब देखते हैं कितना आंसर है। टू पी टू टू फैक्टोरियल और ये हो गया फोर। अच्छा देखते हैं टू इंटू टू फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व और 36 ट्वेल्व और 36 हम आंसर के 432 আছে 432 432 আমার তো এলো কিন্তু 432 তো নেই 1728 মেরা ক্যালকুলেশন গলত রয় মেরা 1728 আ রয় আচ্ছা 1728 ই आंसर होना चाहिए। देखते हैं मेरा शायद कैलकुलेशन गलत हुआ है। ये 6 हो गया 2 फैक्टोरियल और ये तो 4 बचेगा, मैंने शायद 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया। चलो देखते हैं एक बार 2 into 3 6 into 2 इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स हाँ 1728 आ रहा है। शायद मैंने पहले कोई कैलकुलेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ सब ठीक है, कैलकुलेटर पे शायद मैंने कुछ गलत डेटा पुट किया था। 1728 हम लोग का आंसर है 1728 यानी ऑप्शन हम लोग का बी पे, ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कॉम्बिनेशन भी लगा, परमुटेशन भी एप्लीकेबल हुआ। नंबर का इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव। बोल रहा है क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है, सभी का एक एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन, ठीक है, एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, टोटल 6 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। हर एक क्वेश्चन का बोल रहा है दो अल्टरनेट है, देखो ना ऐसे ही बोला है। ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव मतलब क्वेश्चन 1 अगर करोगे ऑप्शन ए भी कर सकते हो, ऑप्शन बी भी कर सकते हो, ए और बी, ठीक है। इसमें भी और ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब तो और होगा ना, मतलब क्वेश्चन 2 में ए करो या बी करो, सेम तरीके से मान लो इधर भी दिया हुआ। और इधर भी ठीक है। अब बोल रहा है कितने तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर ये अल्टरनेट मतलब जो व्हाइट कलर से किया है ये वाला सिचुएशन अगर हम लोग का अराइज नहीं करता तो इसका आंसर तुम लोग क्या देते कि हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, कैसे करना है, वन और मोर,
वन और मोर, तो तुम लोग फिर इसको कैसे लिख, इसका आंसर क्या करते हैं? मैम 61 से लेके 66 तक हम लोग इनटू कर देते। और कोई बोलो कि ये वाला ठीक है, लेकिन मुझे और एक तरीके से भी मैंने बताया था। टू द पावर सिक्स माइनस वन करते, सही बात है, ये कर देते। या फिर अगर व्हाइट वाला ऑप्शन नहीं रहता, या फिर ऐसे करना पड़ता, 6C6 से लेके 6 का 6 क्वेश्चन कर दिया, या 5 किया, या फिर 4 किया, ऐसे करके हम लोग का 6C1 तक चलता, ठीक है, ये चलता। लेकिन यहाँ पर हम लोग का 2 to the power वाला फॉर्मूला इसीलिए लगा क्योंकि इसमें हम लोग को बताया था वन और मोर, ठीक है, मतलब एक या उससे ज्यादा, मतलब ऑल, ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा। और इसमें टू वाला क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये नीचे का ऑप्शन हटा दिया। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में ये बात रहता ही नहीं तो हम लोग इस तरीके से आंसर दे सकते थे। और टू का मतलब बताया था दो अल्टरनेट, जैसे क्वेश्चन नंबर वन को कर सकते हो या उसे लीव कर सकते हो, तो दो ऑप्शन था, ठीक है, इसीलिए 2 to the power 6। लेकिन हम लोग इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन एडेड है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन वन के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, तुम लोग बोल सकते हो? क्वेश्चन वन के लिए हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, तुम लोग बोल सकते हो? अगर ये पूरा चीज लेते हैं, अच्छा, तो अगर टू होता है तो फिर वन के लिए तो मैंने अभी टू ऑप्शंस बताए, या तो इसे कर लो या तो इसे लीव कर लो, दो ऑप्शन, इसलिए ये टू होता है। तो उस तरीके से सोच के देखो, अगर इसमें ये पोर्शन भी कवर हो गया तो वन के लिए कितने सारे ऑप्शन, तो नॉर्मल सोचो ना, अगर क्वेश्चन नंबर वन को करना है तो तुम लोग के पास कितना सारा ऑप्शन? टू तो है नहीं, क्योंकि टू होगा तो फिर तो ये होता है, अभी तो बता रहे टू कैसे है? और एक कुछ होगा, टू ऑप्शन क्या 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 देख के टू बोल रहे हो वो बोलो। मैम या तो क्वेश्चन नंबर वन में ए कर सकते या तो बी कर सकते, ये तो सही बात, लेकिन और एक क्या होगा, अभी यहाँ लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखने से आंसर जरूर दे पाओगे। सिर्फ अगर मुझे ये दिया हुआ है, हाँ बोलो, फोर होगा क्या? नहीं, फोर नहीं, थ्री होगा, इतना हम बताते, लेकिन थ्री ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो ए करो, बी करो, या फिर और एक ऑप्शन क्या है यहाँ लिख रहे हैं, या लीव करो। हाँ, दोनों कर दे, या लीव करो, दोनों थोड़ी ना करना, और होने से दोनों कैसे करें, यहाँ तो लिख रहे हैं या लीव करो, ठीक है, तभी होता है, क्योंकि मैंने बताया था गेस्ट के केस में 5 या उससे ज्यादा, तो उसमें मैंने क्या बोला था, या तो गेस्ट को बुलाओ या तो ना बुलाओ, तो एक ना वाला ऑप्शन तुम लोग को बताना है ना। मतलब हम लोग को हर एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ईच क्वेश्चन हैज 3 choices। कैसे, जैसे तुम लोग के पास क्वेश्चन वन आया तो तुम लोग सोच सकते हो ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, या फिर उसे लीव कर सकते हैं, दोनों नहीं करना है। फिर अल्टरनेट क्या होता है, अगर तुम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया ए या बी करो, अगर तुम लोग दोनों करके आ जाओगे थोड़ी ना मार्क्स मिलता है, कर सकते हो वो तो तुम लोग का बात है, लेकिन थोड़ी ना ऐसा होता है, कभी एग्जाम में एग्जाम नहीं दिए हो, वहां पर ए और बी लिखा हुआ रहेगा, दोनों कैसे करके आओगे? हाँ, टाइम बचा है, कोई ऐसा सोचता है कि मैंने ए कर दिया, मेरे पास टाइम है, बी भी कर देते हैं, लेकिन टीचर तो एक ही देखेगा, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं है दोनों करो, तो फिर दोनों करके कोई फायदा नहीं है, टीचर एक ही क्वेश्चन देखेगा, तुम लोग दो लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर 3 options हो गया। तो अगर 3 options है, हर एक क्वेश्चन का 3 options, और हम लोग के पास टोटल 6 questions है, तो पहले क्वेश्चन का 3 options, दूसरे वाले का भी 3, उसके बाद वाला भी 3, उसके बाद वाला भी 3, तो ऐसे करके अगर 3 3 options है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे वो था 2 to the power n-1, तो ये क्या बनेगा बोल सकते हो? फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं है, तुम लोगों से पूछ रहा है, क्या बन सकता है बोल सकते हो? अगर 2 alternate होने से 2 to the power n-1, 3 alternate होने से क्या होगा बोलो, हिंट्स तो दे रहे हैं। 3 to the power n-1, तो यहाँ पर n कितना है वो बताओ, n मतलब n3 नहीं,
अच्छा कैसे थ्री, हाँ सिक्स कैसे थ्री बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट दिन हम लोगों ने जब ऐसा क्वेश्चन किया था टू टू दी पावर एन माइनस वन का, तो वहां पर एन हम लोगों ने क्या माना था, जैसे कि देखो दिखाते हैं, अगर मिल जाता है तो दिखाते हैं, इस पीडीएफ में अगर है तो हम बताते हैं, लाइक ये भी नहीं है, कहाँ चला गया, ये भी नहीं है, हाँ जैसे यहाँ पर टू टू दी पावर एन माइनस वन, तो एट गेस्ट था, तो फिर तुम लोगों ने क्या यहाँ पर एन के जगह पे टू लिखा था, तो फिर अल्टरनेट का थ्री क्यों मान रहे हो, यहाँ पर टू अल्टरनेट का मतलब मैंने बताया था, या तो गेस्ट को बुलाओ या तो ना बुलाओ, इसलिए लॉजिकली वो टू होता है, मैंने बोला था इस बात को कि लॉजिकली सुन लो फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एन का मतलब एट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आठ फ्रेंड थे, तो सेम तरीके से यहाँ पर छह क्वेश्चन है, छह का तीन अल्टरनेट है, तीन अल्टरनेट के लिए थ्री और टू दी पावर एन छह क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, और एक तरीके से ये क्वेश्चन करके हम बताएंगे, बोलो इसका आंसर कितना हो रहा है, 728, ठीक है, और एक तरीके से इसको हम करके बताते हैं, 728 ये शॉर्टकट में पहले बता दिया हम लोग का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, और एक तरीके से बताते, देखो जब हम लोग एक क्वेश्चन करने करना चाहते हैं, मान लो हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, अब हम लोग नॉर्मल तरीके से समझेंगे, थ्री टू दी पावर एन वाले कंसेप्ट में नहीं समझते, अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो छह में से कोई एक क्वेश्चन मुझे लेना है, और एक क्वेश्चन का मेरा कितना अल्टरनेटिव है, मतलब जब एक क्वेश्चन करने जाओगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ए कर लो या तो बी कर लो, यहाँ पर हम थ्री टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, तो टू टू दी पावर मैं यहाँ पर टू लिखा, दो ऑप्शन, ठीक है, या फिर हम लोग छह में से कोई भी दो क्वेश्चन कर सकते, अगर दो क्वेश्चन करोगे तो मेरे पास कितना अल्टरनेटिव होगा बता सकते, चार 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 क्या क्या होगा, चार तो सही है लेकिन चार क्या क्या होगा वो बताओ, अगर दो क्वेश्चन करोगे तो चार क्या क्या हो सकता है, मान लो ये दो क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ गया और ऐसा लिखा हुआ है, तो तुम लोग कितने तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, मैम एक तो या तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वन का ए करें, क्वेश्चन नंबर टू का बी करें, और उसके बाद उल्टा क्वेश्चन नंबर वन का बी और क्वेश्चन नंबर टू का ए, और या तो हम एक को छोड़ दे, मतलब क्वेश्चन नंबर वन को अगर छोड़ देते मैम तो ए और बी टू का, वैसा नहीं कर सकते की करे करबे, ए बी ते तो ऑप्शन আছে না, তো তুমি क्वेश्चन टू এর এ বি দুটো কি করে করবে ওটা সম্ভব না, এ বি বি ए ए बी बी करेक्ट, इससे भी ए कर दिया इससे भी बी कर दिया, ये दोनों एक साथ कैसे ले सकते हैं, जब और लिखा हुआ तो ये पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर चार जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, वन टू थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा टू टू दी पावर टू, ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला सिक्स सी थ्री, अगर हम लोग तीन क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो मुझे बोल सकते हो कि कितना सारा अल्टरनेट यहाँ पर होगा, मतलब इस तरीके से कितना सारा डेटा हो, बस ये बताने से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, अगर तीन क्वेश्चन कर रहे हो तो हम लोगों का क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री, तीन क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या क्या अल्टरनेट आएगा, कितने सारे अल्टरनेट आएंगे, मैम तीनों का ए, फिर तीनों का बी, मैम ए बी ए, ए ए बी, बी डबल ए, एंड मैम बी बी ए, और एक होगा लगभग और दो होगा बी ए बी, और एक होगा, देखो और एक क्या छूट गया, और एक होना चाहिए, और एक होगा ए बी बी, ए बी बी तो लिखा हुआ नहीं था, ए बी बी, ठीक है, तो कितना सारा होगा काउंट करो, आठ,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ हो गया। तो देखो इसके बाद और नहीं पूछेंगे क्योंकि बता भी नहीं सकते, चार हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power कितना लिख सकते हैं बोलो? 3। तो इसके बाद वाला क्या होगा अगर इसी सीक्वेंस में मेरा चल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने हाँ 3 प्रूफ कर लिया ना, तो फिर ये हो जाएगा 2 to the power 4। ठीक है, उसके बाद वाला 5 और एक बार होगा और दो बार होगा 2 to the power 6, 1 2 3, ये भी मैंने ना गलती से 3 लिख दिया, ये 3 है, ये 4 है और ये वाला ना 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कंसेप्ट से हो रहा है अगर हम लोग पूरा कंसेप्ट से जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो फिर हमें 3 ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा कितना सारा है, और यहाँ पर है एक क्वेश्चन पे कितना ऑल्टरनेट, और यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करें उस हिसाब से हमारा ऑल्टरनेट कितना है, वहां यहाँ हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो 6C1 का आंसर कितना हो जाता है, 6 होगा इंटू 2। ठीक है, अच्छा ये वाला हो जाएगा 2 × 1, 6 × 5 × 4, ये हो गया 3 × 1, 6 × 5 × 4 × 8, 6C4 का जो कंप्लीमेंट्री है वो 6C2 हो जाता है, तो हम इसको 6C2 बेसिस पे लिख रहे हैं, लिख के और नहीं दिखा रहे, तुम लोग खुद से लिख लेना। और यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 4 का मतलब 24। हाँ 6C5 का हम लोग का 1 हो जाएगा अगर इसको कंप्लीमेंट्री करोगे, ये 32, और 6C6 जो है वो 1 हो जाएगा इंटू 2 to the power 6। ठीक है, 16 होगा ना वो वाला, तुम समझे ये वाला, हाँ ये 16 होगी, सही है। अच्छा अब देखते हैं 20 और 3, 60, 20 और 8, 160, 15 और 16 कितना होता है, ये बताओगे 15 और 16 कितना होता है? 240 मैम, 240। इसके बाद 192, और ये 2 to the power 5 तो 32 होता है, 32 × 2, 64, अब इसका टोटल लगा के देख लो 728 आ रहा है। आना तो चाहिए, देख लो 728 आ रहा है। Yes, ma'am. और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख लो, ये 3 वाला जो लिखवाया है, वहां 2 वाला पहले ही लिखवा दिया था, इसीलिए अब यहाँ पर बस ये वाला लिखा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और ऑल आइटम फ्रॉम ए सेट ऑफ एन थिंग्स व्हेन देयर आर 2 चॉइसेस, वो भी लिख देते हैं दोबारा से, दोनों एक ही जगह पे रह जाएगा, फॉर ईच आइटम, और when there are 3 choices for each item, हर एक आइटम के लिए अगर 3 चॉइस होता है, तो यहाँ 2 to the power n-1 और यहाँ पर 3 to the power n-1। ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में सोचने का तरीका अलग है, ये ऑलरेडी लिखवाया हुआ था, इसको मैंने लिख दिया, तुम लोग ये लिखोगे तो ही चलेगा, मैंने एक ही जगह पे लिखवा दिया ताकि अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो ऐसे करोगे हो जाएगा, प्रेफरेबल एग्जाम के लिए यही वाला है, लेकिन समझना पड़ेगा कि कैसे करके हमें ऑल्टरनेट सोचना है, जब भी हम लोग 2 to the power या 3 to the power लगाएंगे वहां पर हम लोग का ऑल्टरनेट कैसे होता है, एक हाँ में एक ना में होता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी देखो 3 to the power n क्यों हुआ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 3 ऑप्शन है, या तो ए करो या तो बी करो या तो क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, इस बेसिस पे हो रहा है, तो इस तरीके से होगा।
ठीक है चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो बाकी है।